ये तस्वीरें हैं करनाल प्रेमनगर की, जहां पर सीएम आवास पर तमाम गेस्ट टीचर पहुंचे हैं ज्ञापन देने, और अपनी मांग है उनकी कि उनको पक्का किया जाए। आप देख सकते हैं कि काफी देर से धूप में जो है खड़े, और मुख्यमंत्री के ओएसडी संजय भटला यहां पर पहुंचे हैं ज्ञापन लेने, और आप देख सकते हैं कि वो जो है पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ गेस्ट टीचर हैं पुलिस, हालांकि जैसे ही वो पहुंचते हैं और नारेबाजी शुरू, और आप देख सकते हैं यहां से वापस जाते हुए बिना ज्ञापन लिए वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेस्ट टीचरों ने तुरंत उसी वक्त जो है नारेबाजी शुरू की, जिससे नाराज होकर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं वो वापस चले जाते हैं। तमाम पुलिस बल आपको यहां नजर आ जाएगा। करनाल सीएम आवास की ये तस्वीरें हैं, जहां तमाम गेस्ट टीचर जो है पहुंचे हैं अपना ज्ञापन देने के लिए, उनको पक्का करने की जो है ये मांग है। और आप देख सकते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, बहुत देर से जो है तमाम गेस्ट टीचर खड़े थे, और जैसे ही प्रतिनिधि पहुंचते हैं नारेबाजी वो शुरू करते हैं, और इसी बीच वो गुस्से में कहीं ना कहीं नाराज होकर चले जाते हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से। साढ़े ग्यारह के यहाँ पे खड़े हैं, और वो देखो हमें क्या पंडेरे से मना कर दिया हमारा। अब कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेंगे सब। उनका दीन ईमान होगा, जमीर जिंदा होगा ना लेके जाएगा। अगर जमीर मर गया होगा जहाँ मर्जी जाओ, कोई परवाह नहीं करता। मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को, करनाल की जनता की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने दफा कर दिया है। एक जने खातर चार आदमी को नहीं आंदे, एक जने खातर जितने आ रहे हैं अपने सारे आपने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, वो विज्ञापन लेकर गया था, ये उससे बड़ा नहीं है। लगाना जी, हमारा अधिकार है नारे लगाना, संजबाटिया जी ने नारे लगाना हमारा अधिकार है। संजबाटिया जी ने नहीं है कि आप हमारा ज्ञापन नहीं लोगे, और वो जनता के नाम में जनता का नारा है, वो भी लेके गए। पुलिस सब जनता दिलाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, जनता की मांग है। ज्ञापन की प्रति जला रहे हैं मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को, करनाल की जनता की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने दफा कर दिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि गुस्से में कहीं ना कहीं जो है तमाम गेस्ट टीचर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है बातचीत के लिए जो है तीन से चार लोगों को बुलाया जा रहा है कि एक बार बातचीत कर ली जाए, ताकि ज्ञापन जो है वो सौंपा जा सके। अब देखिए किस तरीके से गेस्ट टीचर जो है करनाल प्रेमनगर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि चार पांच लोग जो है वो एक बार मिलने के लिए जाते हुए, हालांकि पहले ज्ञापन देने के लिए ही जो है बुलाया जा रहा था, लेकिन तमाम गेस्ट टीचर का कहना है कि यहीं पर आकर उनसे ज्ञापन जो है वो लिया जाए, जिसके चलते पहले तीन से चार लोग जो है बातचीत करेंगे, अंदर जो भी जो है नाराजगी हुई है उसको लेकर, उसके बाद जो है आगे का फैसला किया जाएगा। हालांकि अंदर जो है वो बातचीत के लिए गए हैं, और कुछ ही देर में जो है वापस लौटेंगे, फिर बताएंगे कि क्या मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर ज्ञापन लेने आ रहे हैं, या किस तरीके से जो है आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं काफी देर से जो गेस्ट टीचर है वो यहाँ खड़े हुए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रतिनिधि संजय भटला आते हुए नजर आ रहे हैं ज्ञापन लेने के लिए, जो गेस्ट टीचर उनसे मिलने गए थे उनके साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो रामनगर SHO है वो भी पहुंच हुए हैं, पुलिस की एक टुकड़ी भी पहुंच जाती है तुरंत, और आप देख सकते हैं कि जो है संजय भटला जो है तमाम गेस्ट टीचर से ज्ञापन लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल सीएम आवास की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अपनी मांग जो है वो रखने वाले हैं कि क्या कुछ जो है उनकी मांगे हैं। एक रिक्वेस्ट है अभी सभी गेस्ट टीचरों की तरफ से कि हमें रेगुलर करवा दें। बीजेपी सरकार ने हमें सबसे पहले जब सरकार नहीं बनी थी तब वादा किया था कि हम जब भी आपकी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, आपकी सरकार होगी वो, और आपको पहली कलम से पक्का किया जाएगा। उसका हमें लिखित में हमारे पास वो प्रदेशाध्यक्ष द्वारा दिया हुआ है वो भी है, और अब 10 साल हो गए हैं। हमें सड़कों पर रहने की और धक्के खाने की धूप में कोई जरूरत नहीं है। हमारी सरकार है, हमें पक्का कर दे। हम तो इनके साथ खड़े, पहले भी खड़े थे, हमारा तो एक ही, सिर्फ हमें नियमित करवा दो बस, और हमारी कोई डिमांड नहीं है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं लेडीज जो खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ। ये सर जो
ये आप मुड़ के चले गए थे बुरा में भी लगा, वजह पता क्या, आप आए चार घंटे से सड़क पे भीषण गर्मी में, सुनो तो सर तो आप है ना इन छोटी मोटी चीजों का अगर बुरा मानोगे कैसे कार्य चलेगा सर? बुरा कौन मान रहा है बताओ, बुरा तो आप मान के गाली निकाल रहे हो। वो तो सिर्फ हमारे में से एक है, कुछ कैंडिडेटों को पता नहीं बटला साहब ये है, तो वो रूटीन में अपना जो नारा लगा रहा था उसने लगा। मैं कहता हूँ मैं बटला नहीं हूँ, जो आपकी बात क्या है, आप सब मुख्यमंत्री जो गाड़ियां लोगे मीडिया के सामने गाली दोगे और उसके बाद आप अपेक्षा करोगे हमारा काम भी हो ना? जी ना, हम गाड़ियां नहीं देते, हम तो बिल्कुल जय जयकार लगाएंगे। राजेश भाई एक मिनट, संजय जी जन संवाद में पीछे करनाल में जन संवाद हुआ था सिंह साहब का, आपने डेलीगेट बुलाया था, आपने बुलाया था ना सर, तो आप हमारे शुभ चिंतक हुए तभी तो बुलाया ना आपने, तभी आप भी आए हो, मैं भी मानते हो ना सर, कुछ टीचर ऐसे हैं उनको नहीं नॉलेज होता, पता नहीं होता। मैं पहली बार वो लग रहे थे तो लग रहे थे, छोड़ दो उस बात को आप, मैं तो छोड़ दिया, तभी मैं छोड़ दिया, मैं आया नहीं। आपने जन संवाद में बुलाया सर, मैं मीटिंग में था सीएम साहब से, आपने मीटिंग करवाई दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री से ज्ञापन देकर आपकी दोबारा कोशिश लगी, हमारी पैरवाई करवाओ जी, हमें पक्का करवाने में पूरा सहयोग करो जी, पूरा पूरा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, सरकार के साथ हम है, सरकार हमारी है, हम आपके हैं, लेकिन संभालना अपने जिन गेस्ट टीचरों को, ये सबसे ऐसी यूनियन है, ये सब 14,000 गेस्ट टीचर है और अब इनके आगे परिवार बढ़ चुके हैं, बच्चों की शादियां, बच्चों की शादियां होगी, साहब ने 2019 में रोकने के साथ की मारे आपको लाइसेंस को रिन्यू करवाओ। 17 साल हो लिए सर, राजेश जी, संजय जी, मैम, संजय जी, एक नीट एंड क्लीन बात है, मैं तो ऑफिस में कहा था कि आप कोई बात नहीं, आराम से बैठ सकते हैं, मैं तो उससे भी कहा गया था, बैठे थे सर वहाँ, दो मिनट बैठे थे, जो ये प्रायश्चित है ना, यही तो कुछ अच्छा करवा रहे हैं, हम प्रायश्चित कर रहे हैं। सर एक चीज व्हाइट पेपर पर लिख कर ले जो आप, अगर गेस्ट टीचर हरियाणा के आपकी सरकार ने आपने नियमित कर दिया ना, व्हाइट पेपर पे सर साइन कर लेना, सरकार दोबारा यही लाएंगे जी सरकार ने, ये दिमाग में डाल लेना, ये बात उस दिन बस, ये गेस्ट टीचर सर बड़ी दुखी हो रही है, आपको मैंने बोला था 17 साल से दुखी हो रही है, अब इनको दुखियों को आपने सुखी करना है जी, और नियमित करके करना है, अगर नियमित नहीं करेंगे सर वो आपकी मर्जी है जी, वो ऊपर वाला करेगा, जानते हैं नियमित ना करना, सर कहावत है मिला था, चलते में चलाए ना चलाए वो अभी बोला बोला, और जो ना चलते में चलाए बोला, तो आपकी चल रही है आज चला लो, कल पता नहीं सर मौका है सर, मौका जो जायज होगी उतनी ही चलाएंगे, सभी यहाँ आए हुए थे और इनकी कुछ मांगे हैं रेगुलर करने की, तो ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी बात भी करा दी जाएगी, बाकी फिर सरकार का और गेस्ट टीचर का आपस में जो भी फाइनल होगा वो सरकार ने करना है, सरकार तक पहुंच जाएगा आप, बिल्कुल नुमाइंदगी करेंगे बीच में, ये तो हर बार होता है, जो भी आते हैं वो सरकार तक पहुंचते हैं, उनकी वार्तालाप भी कराया जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो यहाँ ज्ञापन दे गया और सरकार तक ना पहुंचे, माने मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचता है, सेम डे ही पहुंचता है ये, और फिर जब भी मुख्यमंत्री जी 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम देते हैं तो बातचीत भी होती है। ये कह रहे हैं नाराजगी क्यों, आपकी नाराजगी क्यों? नाराज कोई नहीं है, नाराज कोई नहीं, आपस में है भाई बहन है सारे, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। तमाम जो गेस्ट टीचर हैं वो ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचते हैं, हालांकि एक बार जो है संजय बटला जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है ओएसडी है, वो ज्ञापन लेने आते हैं लेकिन नाराज होकर वापस चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा वो आए हैं और गेस्ट टीचरों की मांग है कि उनको पक्का किया जाए और आने वाले समय में वो फिर से भाजपा सरकार को लेकर आएंगे, ऐसा बोलते हुए उन्होंने एक ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री प्रतिनिधि ओएसडी संजय भटला को सौंपा और आगे मुख्यमंत्री से जो है वो बातचीत करेंगे, जब आगे जो है उनकी बातचीत पहुंचा दी जाए ऐसा का कहना है और जल्द से जल्द उनको पक्का किया जाए ऐसा कहना है कि 17 सालों से जो है वो लोग बीच में लटके हुए हैं, गेस्ट टीचर हैं और उनको पक्का करने की जो है ये मांग है, फिलहाल पुलिस यहाँ पर पहुँचती है तुरंत और उसके बाद जो है संजय भटला जो है उनसे फिर से बातचीत की जाती है और अब ज्ञापन सौंपकर जो है सभी जाते हुए जरूर नजर आए, आप लोगों से अपील यही रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के प्रेमनगर से आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम आवास जो है वो पड़ता है, मैं आरती राणा से होगी अमन गोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।